Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Zoran Akhtar and this is Zahir Abbas. तो आज हम फिर BTS के लिए, BTS आर्मी के लिए एक रिएक्शन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं. और ये वीडियो हमें रिक्वेस्ट की है किसी भाई ने, हमें ये लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर पे हमने एक रिएक्शन दिया था, उसके नीचे कमेंट आया है हमारे से हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर का, वहाँ पे उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट किया वीडियो की. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का नाम बताऊंगा, उसके बाद जो हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट होती है, एक सेकेंड, वीडियो का नाम है BTS प्ले पकड़न पकड़ाई इन भूतिया हाउस. ठीक है, अब मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट वीडियो पे हम रिएक्ट करें, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, खोलें, फॉलो करें और वीडियो सजेस्ट कर दें. थैंक यू. वीडियो स्टार्ट करें, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट. ये उस रात की बात है जब BTS कारे बोनारा गुफा में घूमने गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये जगह भूतिया है. तभी टिप टिप करके धीमी धीमी रोमांटिक बारिश होने लगी. इस सुनसान जगह पे फंस चुके थे और अकेले बोर हो रहे थे, तो उन्होंने पकड़ाई का सोचा. इन नादान परिंदों ने फुदक कर एक दूसरे की लाइट उठाई और खुशी खुशी इस गुफा में उल्लू की तरह एक दूसरे को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगे. जब ये थक कर एक रूम में बैठे, तभी एक आवाज आई. मम्मी चुड़ैल, इस चुड़ैल की चोटी पकड़ के ऐसा नचाऊंगा कि डराना भूल जाएगी. मम्मी मम्मी मम्मी, फालतू फालतू बिलक मार तू, फालतू फालतू बिलक. लेट्स स्टार्ट द गेम. चलो गेम लेट्स स्टार्ट द गेम. इस गुफा के मैप को ध्यान से देख लो, बाद में हम बताएंगे. नहीं, क्यों नहीं बताएगा? मेरा दिमाग ही गूगल मैप है, मुझे मैप की जरूरत. गांव वालों ने कहा कि पहले ये गुफा कब्रिस्तान थी, तो तुझे कोई उठा के ले गया तो हम नहीं बचाएंगे. क्या यहां लाशें दफन है? नहीं भाई, तो अकेला खेल. अच्छा, मुझे रिजेक्ट कर दिया. बहुत अच्छे तरीके से. हॉबी तू, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलता. वही तू तो मान जा, तू तो मेरा सच्चा वाला यार है. भाई गेम में दोस्ती नहीं दुश्मनी चलती है. वाह वाह, ये बात भी है. गद्दार कहीं के. इस गेम का पहला रूल ये है कि इस गुफा में ढेर सारे अल्फाबेट छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढकर आपको एक वर्ड बनाना है. हर एक वर्ड बनाने पे आपको एक पॉइंट मिलेगा. दूसरा रूल ये है कि आप सभी को रेनबो कलर के स्टिकर दिए जाएंगे, जिसे आप अपने दुश्मन पे लगा के उसके पॉइंट घटा सकते हैं. युंगी, तू मेरा बॉडीगार्ड बन के नीचे चल, मुझे डर लग रहा है. डर को बेच दे. और तेरे बाप ने क्या मेरे को खरीद रखा है जो टेडी बियर की तरह साथ में लेके घूमता रहता है? तुम सब तीन की गिनती पे गेम स्टार्ट करोगे, ठीक है? अभी दरवाजा कैसे खुलेगा? भाग जे के पतली गली से. जेके के बच्चे आई, मुझे हाथ लगाना बोले तो इम्पॉसिबल. अब ये दरवाजा किधर गायब हो गया? ये रहा भाई, आजा. हॉबी बनाऊंगा तेरी गोभी. लगता है इसे अंधेरे में दिखा नहीं, चश्मा पहन के आना चाहिए था. लिफ्ट क्यों नहीं लगवाई यहाँ पे? अपनी छोटी छोटी टांगों से कितनी सीढ़ियां चढ़ू मैं? कैसे भूल भुलैया है. अब ऊपर भी सीढ़ियां हैं. हाय रब्बा, मेरे टांगों का कचूमर बन गया. ये क्या है? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया. गाने दे, कुछ नहीं मिल रहा, मेरी किस्मत कब चमकेगी? आला, मिल गया ABCD, मेरी तो चांदी चांदी हो गई. सुन बे, अपुन इस इलाके का दादा है, तू अपनी भलाई चाहता है तो अपना ये हैंडसम थोपड़ा लेके पहली फुर्सत में निकल निकल यहां से. क्यों है स्टिकर लगाया तूने? मैं तो तेरा दोस्त हूं. भाई तू डर गया, मजाक में नहीं समझता. हम दोनों टीम बना के खेलेंगे और सबके छक्के छुड़ा देंगे. मैं तेरा भैया पैया नहीं हूँ. एक मिनट में पलट गया पलटू साला, 2 फुट की दूरी, दूर रह मुझसे. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. अबे ओ सस्ते हीरो, मुझे गुस्सा दिलाएगा, बड़ा पछताएगा. सुनाई नहीं दिया? ये मेरा इलाका है, निकल यहाँ से. तेरे बाप ने खरीदा है? हाँ मेरे बाप ने खरीदा है, निकल यहाँ से. मैं तो जा ही रहा था, वैसे भी इस कबाड़ खाने में कुछ भी नहीं है. पिट्टी, मुझे पिट्टी कैसे बोला? छोड़ूंगा नहीं. कोई भूतनी तो नहीं है इधर? भगवान बचा ले, 11 रुपए का पैसा चढ़ाऊंगा. मर जा गद्दार साले, मेरे ऊपर स्टिकर लगाना चाहता था. बच्चे, देख लियो, जिंदा हूँ मैं. अरे इधर तो चूहे और कॉकरोच की लड़ाई चल रही है, कुछ तो मिल जाए. अरे ऊपर वाले ने थप्पड़ फाड़ के दिया, मेरी तो लाठी लगी. ओ सीढ़ियों पे भी. आहा, जेके
भाई। सीढ़ियाँ चढ़ता रहे, बुढ़ा होगा तेरा बाप। डायलॉग साल का हूँ, उम्र 55 और बातें बचपन की। अपनी जवानी के जलवे तो दिखा, मैं तो चला गिली। है निंजा हथौड़ी की आत्मा आ गई क्या इसमें? वैसे मुझसे तो बड़े बड़े शेर डरते हैं, ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। फिर से मेरे इलाके में टपका तू, निकल जा वरना बदतमीजी से निकाल दूंगा। तू है ही बदतमीज। क्या बोला? यंगे मेरी जान बख्शने का क्या लेगा? चैन कुली की मैन कुली भाग नामजुन भाग। शुगा मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं जेके के, क्योंकि मुझे गेम जीतना है तो जंकू को गेम से बाहर फेंकना ही होगा। बट पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये जेके, नीचे जाके देखता हूँ। शॉर्ट नाम जेके। इस पार्क में एसी कौन लगाएगा? पार्क में एसी। अब ये जे होप किधर मिलेगा? मेरा टारगेट तो सिर्फ जे होप है। स्टिकर्स लगाने हैं, स्टिकर पीछे लगाने से एक पॉइंट मिलना है, जिसके पॉइंट होंगे एट द एंड गेम वो जीतेगा। और साहब एक वर्ड ना ना जब इनसे मिलेंगे ना उसका एक वर्ड बना तब भी एक पॉइंट मिलेगा। सब्सक्राइबर का है। हां जी भूतनी जानती नहीं, मैं हूं योगी बाबा। नहीं योगी बाबा भाई, हनुमान चालीसा आती है मुझे। हां कौन है? तो मम्मी भूतनी पीछे पीछे कहां जाके चुप। ये तो उठा लूं। फ्यू मोमेंट्स लेटर। किसकी लाश है ये भाई? भूतनी पीछे पड़ गई, बचा ले। अपनी जुल्फों को कितना सवाल है। एक मिल गया मुझे, मौके का फायदा जरा मैं भी उठा लूं। और कहां है यूंगी? सारी चलाकियां समझ रहा मैं तेरी। ओए मुझसे दूर दूर मुझसे, वरना ऐसा मुक्का मारूंगा कि सारा साल बिस्तर पे पड़ा रहेगा। मेंढक की तरह फुदकना बंद कर ले तू। मुझे मेरी जान प्यारी है, इसीलिए मैं तुझ जैसे आदमी से पंगा नहीं लेता। मैं तो चला। मैं भी ले आदमी से पंगा नहीं लेता। ये जन जंकुक किधर गया? जंग जंग नहीं नहीं भाई, मेरा तो पूरा बैग खाली है। हाँ बताऊंगा तो अब मैं तुझे सारे स्टिकर में इसी के ऊपर चिपका देता हूँ, फिर ये हो जाएगा गेम से आउट। अब तो मैं ही जीतूंगा। अच्छा स्टिकर चिपकाने से भी गेम से आउट हो जाता है? अब तो मैं ही जीतूंगा। अब देखना रैप मॉन्स्टर के जलवे, फिर मैं बनूंगा इस गेम का बादशाह। जेके बच के आ रहा हूँ। ये एक उठा लिया, ये भी सब उठा लूंगा मैं। चोरी चोरी चुपके चुपके जाना पड़ेगा, वरना बिना वॉशिंग पाउडर के धो डालेगा ये मुझे। चालू बनने की कोशिश, सारी गेम समझ गया मैं तो चला। ए रुक, ये लग गया स्टिकर, भाग ले नामजुन। निंग निंग निंग। अरे अच्छे से तो चिपका दूं। जेके का पत्ता कट, अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास इतने अल्फाबेट है लेकिन एक वर्ड बनाना नहीं आता मुझे। ये बन गया A for आम, B for बदक, C for चक्कू। ये इतना इंटेलिजेंट हूँ मैं, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं है। मैं लूंगा, अपनी गंदी नजर मत डाल। भगवान तो चाहता है कि मैं ही जीतूं। हाँ, ये कौन लगा के गया? अभी तूने मेरे ऊपर स्टिकर लगाया? तुझे महंगी पड़ेगी। दिखा दो जरा, मैंने कोई स्टिकर नहीं लगाया। सफेद झूठ बोलना बंद कर, चोर की दाढ़ी में तिनका तू ही है। चल बे, मेरे पास तो दाढ़ी नहीं है, मैं तो एकदम चिकना। मेरा टारगेट है वी, लेकिन ये ईद का चांद हो गया है, दिख ही नहीं रहा। ईद का चांद। जल्दी से स्टिकर लगा देता हूँ। लगा लगा लगा। स्टिकर नहीं लगाना, क्या कर रैबिट धोखेबाज? मैं ही जीतूंगा। जमीन पे लगा रहे हैं। हाँ? मेरे ऊपर स्टिकर किसने लगा दिया? जिनके बच्चे मैं छोड़ूंगा नहीं।
तुम्हें लगे इनको समझाने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। मटर के दाने इतना दिमाग है, इससे मैं के साथ लूडो खेल लूं। सुन बे, मेरे को वर्ड बनाने नहीं आते हैं, तो तू चुपचाप यहाँ बैठ और मेरे लिए वर्ड बना। दिमाग की बत्ती जला और वर्ड बना, पूरा बैग खाली कर दिया तेरे लिए, बस कोई देख ना ले। SUGA शुगा, मेरे को बस मेरा नाम लिखना आता है, तो जितने पॉइंट देने दे दे। बट सर ये तो शुगर लिखा हुआ है, तू शुगर लिखा है, तू पॉइंट देना। सर ये गलत बात है, चीटिंग कर रहे हो आप, कुछ गलत नहीं है। तू बस मुझे जिताने, वरना तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आप बेईमानी कर रहे हो, तू मुझे सिखाएगा। नामजून तू इधर छुप के बैठा है। ज्यादा शाना मत बन, मुझे पता है तू मेरे पीछे पड़ा है। क्या गलत फहमी पाल रखी है, मैं तेरे नहीं जेकी के पीछे पड़ा हूँ। पता नहीं कहाँ गया, ढूंढ के आता हूँ। नामजून भाई, जेकी का कुछ अता पता है तुझे? तूने क्या मेरे को उल्लू का पट्टा समझ रखा है? तेरे पीछे तो मैं लगा हूँ। अरे मेरा पेपर उतर गया, मैं लगा देता हूँ, अच्छे से लगा देता हूँ, इस बार नहीं जीतूंगा। तुझे क्या लगता है, बस मैं अपने वाले भी गिन लूं? ये ए फॉर अंडा, ए फॉर बच्चा, आरएम की भी स्टिकर लगा दी है ना, आरएम के उसने ना चिपकाने की वजह से ना लगा दी। तू वर्ड बना ले, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। ये जंगू है, जंगू क्या है? ध्यान से देख मेरी आंखों में कितनी प्यारी है, सच साफ-साफ दिखेगा तुझे इन आंखों में। चल झूठे, मुझे तो काजल से भी नहीं आ रहा है। जल्दी से अपने वर्ड उठा के भाग लेता हूँ। भैया पिंक की स्पेलिंग आती है आपको? कैसे भी करके इसे तो स्टिकर लगा के रहूंगा। हॉबी दिखा, कितने स्टिकर लगा दिए। देख भाई, ओहो, 10 स्टिकर लगा दिए, अब तू तो गया भाई। इतना बड़ा सदमा मैं कभी नहीं भूल सकता। जेके उन्होंने भी जेके के लगाया था। हाँ, मैं भी चांस मार लूं। तू क्या लगा रहा है बे, निकलो यहाँ से। शुगर चोरी चोरी चुपके चुपके क्या चल रहा है? अब हमें मुंह का शटर बंद करके 9-10-11 हो जा। फिर से क्यों आ गया? स्पीकर लगा तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। अब देखो मैं सबकी कैसे छुट्टी करता हूँ। This is time for my ninja technique। ये रही मेरी कैटवॉक। कैटवॉक चुपके जाना पड़ेगा। तू वर्ल्ड वाइड हैंडसम से कंपटीशन कर लेगा, हार जाएगा। वर्ल्ड वाइड हैंडसम, अच्छा वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम बना हुआ जिन। जंगू तेरी वजह से कैमरामैन सीढ़ियों से गिर गया। जेके रुक जा, तेरे पीछे भाग भाग के मेरी और कैमरामैन की टांग टूट गई। तो आज कैमरामैन को पागल करके छोड़ेंगे। इस जंगूक ने तो भगा भगा के थका डाला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जीतूंगा तो लगा जंगूक को लगाए लगाए ना इसने आरएम ने लगाया। टीम बना के सबको बेवकूफ बनाएंगे और जीते हुए पैसे आधे आधे कर लेंगे। तू धोखेबाज निकला तो मैं तुझे धोखेबाज लगता हूँ। मेरी शक्ल देख कितना भोला हूँ मैं। हाँ, मैं तुझे अपना माल दे दूंगा। अब तो भरोसा हो गया, खुद मेरे पास बहुत सारा है। किसी को पता चल गया तो बट बताएगा कौन? इस राज के बारे में सिर्फ हम जानते हैं। मैं बताऊंगा, तू क्यों बताएगा? मैं बताऊंगा, भाड़ में जा। मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, डूब के मर जा, मैं तो जा रहा हूँ। धोखेबाज तो तू खुद है। दूर रह मुझसे शुगा, बच के कहाँ जाओगे? सॉफ्ट की दूरी बनाए रख मुझसे। तू मुझसे डरता नहीं है तो यहाँ से निकल के दिखा। आया बड़ा कहीं का जी। पार्ट 2 अभी आना है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तीन फेंक के आऊंगा। जी लड़ाई हो रही है, लड़ाई लड़ाई। जेके मेरे बाप रुक जा, तू जीतेगा तो सारे पैसे मुझे देगा, वरना मैं चला। अच्छा ठीक है, ले लियो। जंगू का स्टैमिना बहुत है, बहुत फुर्तीले, बहुत फुर्तीले, बहुत ज्यादा फुर्तीले। छोड़ दे मुझे, भूतनी हमारे पीछे पड़ गई है। अच्छा अभी भूतनी का जिक्र नहीं, वो शायद पार्ट 2 में होना। भूतनी का जिक्र मुझे बताया था। भूतनी तो इसमें आई नहीं पार्ट 1 में, लेकिन जो BTS के और सारे मेंबर्स है ना, सबके सब मेंबर्स बहुत ज्यादा फिट हैं, लेकिन उनमें द फिटेस्ट जो सबसे ज्यादा फिट है वो जंगकुक ही है। मतलब आम बंदों में फिट नजर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिट बंदों में फिटेस्ट नजर आना बहुत बड़ी बात है। तो जंगकुक
वीडियो बहुत जबरदस्त थी और खेल जो था इनका बहुत मजे का था और सुगा की इनोसेंट आरएम का दिमाग हर चीज आउटक्लास उसमें चल रही है वीडियो में। जिमिन का मजाक, जिमिन का मजाक जे होप का हंसना। अब वीडियो जो थी इसका, हाँ मुझे एक और चीज याद आई सॉरी, जो कि हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था, उन्होंने ये बोला हुआ था कि जो क्यूट लाइफ चैनल की डबिंग वॉइस है ना वो एक फीमेल की है, तो क्योंकि आरएम की वॉइस तो थोड़ी सी मेल वाली लगती है, भारी सी वॉइस है, बाकी मेजोरिटी की सेम है, चलो वो तो मान सकते हैं कि फीमेल की है, तो मुझे ना बता दीजिएगा कि जो वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं क्यूट लाइफ के, अगर आप लोग के नॉलेज में हो तो कितने हैं, मतलब सिर्फ एक फीमेल उसकी वॉइस डबिंग कर रही है कि साथ कोई मेल भी है या जो भी मामलात हैं, और मुझे बता दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का कि हम इनकी बहुत सारी वीडियोस पर रिएक्शंस दे रहे हैं और बेटिया सामी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और इसी तरह की हम क्यूट लाइफ की वीडियोस और दूसरी लाइव परफॉर्मेंसेस की, बीटीएस के सॉन्ग्स की, इवन इंडिया की ट्रेलर्स की, जिस तरह की वीडियो पर आप रिएक्शन चाहेंगे हम डेफिनेटली उस तरह की वीडियोज़ पर रिएक्शन लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें ज़्यादा दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।